अब्दुल करीम खां। संगीत जगत स्वर्गीय अब्दुल करीम खां का बहुत ऋणी है। उन्होंने कई चोटी के कलाकारों का निर्माण किया। हीराबाई बड़ोदेकर, सरस्वती राणे, रोशनारा बेगम, सुरेश बाबू माने, पंडित राम भाव कुंदगोलकर, बहरे बुआ आदि कलाविज्ञों के निर्माण का श्रेय अब्दुल करीम खां को है। उन्होंने ही ठुमरी को सरल और लोकप्रिय बना दिया। उन्हें ख्याल, ठुमरी, भजन तथा मराठी भाव के गीतों पर समान अधिकार था। उन्हीं के सत प्रयत्नों से अब करीब करीब सभी गायक ठुमरी गाना पसंद करने लगे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्वयं जनता की ओर से ठुमरी की फरमाइश आ जाती है। खां साहब सहारनपुर जिले के किराना नामक गांव के रहने वाले थे। आपके पिता काले खां तथा चाचा अब्दुल खां स्वयं अच्छे संगीतज्ञ थे, जिनसे आपको संगीत की शिक्षा मिली। आपकी शिक्षा बचपन से ही शुरू हो गई थी। बालक करीम खां का गायन लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था। बहुत छोटी सी उम्र से आप संगीत के जलसों में अपना कार्यक्रम देने लगे थे। थोड़ा बड़े होते ही आपको बड़ौदा दरबार में राजगायक नियुक्त कर लिया गया। केवल 3 वर्षों तक बड़ौदा नरेश की सेवा में रहने के बाद कुछ दिनों तक बंबई में रहे और तत्पश्चात मिरज चले गए। खां साहब स्वयं एक उच्च कोटि के गायक हो चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा अच्छे संगीतज्ञ और श्रोता उत्पन्न करने की थी। इसलिए उन्होंने एक संगीत विद्यालय की स्थापना सन 1913 ईस्वी के लगभग पूना में की। उसका नाम आर्य संगीत विद्यालय रखा। कुछ दिनों के बाद आपने बंबई में इस विद्यालय की शाखा खोली और स्वयं बंबई में रहने लगे। लगभग 3 वर्षों के बाद कुछ कारणवश आपको विद्यालय बंद कर देना पड़ा और फलस्वरूप बंबई छोड़कर मिरज में रहने लगे। एक बार एक संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में आपको मिरज से मद्रास जाना पड़ा। वहां पर आपका कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। वहां से दूसरे संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में पांडिचेरी जाना पड़ा। रास्ते में ही आपकी तबीयत खराब हो गई, यात्रा स्थगित कर देनी पड़ी और सिंगपोयम कालम स्टेशन पर 11 बजे रात्रि में उतर जाना पड़ा। समय के साथ साथ तबीयत भी खराब होती गई। उन्हें भी अपने दिन करीब जान पड़ने लगे। बिस्तर पर नमाज पढ़ा और दरबारी कान्हड़ा के स्वरों में खुदा की इबादत करने लगे। इसी प्रकार गाते गाते उसी बिस्तर पर 27 अक्टूबर सन 1917 को अंतिम सांस ली। वहां से उनका शव मिरज लाया गया, जहां उन्हें दफना दिया गया। खां साहब एक हरे बदन के व्यक्ति थे। स्वभाव से बहुत शांत और मृदुभाषी थे। जैसा उनका गायन मधुर था, वैसी ही उनकी बोलचाल थी। ठुमरी गाने में तो बड़े प्रवीण थे वे। ठुमरी के कुछ रिकॉर्ड जो अक्सर ही आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं, बड़े मधुर और आकर्षक हैं। मत जहियो राधे जमुना के तीर, पिया बने नहीं आवत चैन, उनकी गाई हुई ठुमरियां बहुत प्रसिद्ध हैं। तार सप्तक में उनकी आवाज बड़ी सरलता से तथा स्वाभाविक ढंग से जाती थी। बंद गले का कोट और साफा ही उनका पहनावा था। उनके हाथ में सदा एक छड़ी रहती थी। यद्यपि कि आप अब नहीं रहे हैं, किंतु संगीत जगत आपको कभी भी भुला नहीं सकता।